गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर का ही एक पार्ट है MS-SS, माइक्रोसॉफ्ट एसएस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन MS-SS ऑटो नंबर डाटा टाइप, MS-SS में ऑटो नंबर डाटा टाइप कौन कैसा है, कौन है इसमें से दिए गए ऑप्शनों में से कौन है जो ऑटो नंबर डाटा टाइप है, ये रेंडमली हो सकता है और सीक्वेंटली भी हो सकता है। तो आंसर हमारा रहा ओनली ए एंड बी। जो ऑटो नंबर डाटा टाइप है ये एक सीक्वेंटली हो सकता है और रैंडमली हो सकता है। इन MS-SS विच डाटा टाइप इज अप्रोप्रिएट टू स्टोर लार्ज टेक्स्ट एंड नंबर। MS-SS में वो कौन सा डाटा का टाइप है जिसमें विशेष रूप से हम स्टोर कर सकते हैं, लार्ज नंबर कर सकते हैं और टेक्स्ट हम स्टोर कर सकते हैं, वो कौन सा हमारा डाटा टाइप है? तो कौन सा है? मेमो। मेमो में हम लार्ज नंबर में क्या है स्टोरेज कर सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर्स। आंसर रहा मेमो। अनलाइक टेक्स्ट डाटा दिस कैन बी स्टोर टू मैक्सिमम 65353 करेक्टर्स। जो अनलाइकली हम जो डाटा टाइप है स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम कितना, 65353 करेक्टर्स, वो किसमें कर सकते हैं हम? वो है मेमो में कर सकते हैं। द डिफॉल्ट डाटा टाइप फॉर ए फील्ड इज, जो बाई डिफॉल्ट जो डाटा टाइप है फील्ड के लिए वो क्या है? लेकिन सबसे पहले होता है जो फील्ड है, फील्ड को क्या कहते हैं हम? जो कॉलम है, कॉलम को ही हम फील्ड कहते हैं MS-SS, MS-SS में। तो जो है बाई डिफॉल्ट जो है किसमें है, फील्ड को क्या कहते हैं, कहाँ है वो है टेक्स्ट। बाई डिफॉल्ट जो डाटा टाइप है वो किसका रहता है, कॉलम का क्या है, टेक्स्ट है। विच इज द वैलिड डाटा टाइप इन एसएस, इसमें से वैलिड डाटा टाइप एसएस में क्या है? तो क्या है इसमें, टेक्स्ट जो है ये एक डाटा टाइप है MS-SS में, करेंसी वैलिड है और नंबर वैलिड है। तो ऑल ऑफ द अबव जो दिए गए ऑप्शन है ये सभी जो है ये एक वैलिड डाटा टाइप है MS-SS में। विच डाटा टाइप अलोज अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल्स, वो कौन सा डाटा टाइप है MS-SS में वो अलो करता है, हमें इजाजत देता है अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स एंड स्पेशल सिंबल। अल्फा के लिए अल्फाबेटिकली, न्यूमेरिकली और स्पेशल सिंबल हम उसमें टाइप कर सकते हैं, वो कौन सा डाटा टाइप है? तो किसमें कर सकते हैं हम? टेक्स्ट में। डैश डैश इज ए एरिया रिजर्व फॉर ए स्पेशल पीस ऑफ डाटा, वो कौन सा एरिया रिजर्व रहता है स्पेशल काम के लिए, डाटा के स्पेशल मतलब पीस ऑफ वर्क के लिए जो डाटा जो स्पेशल रिजर्व रहता है वो कौन सा एरिया है? तो कौन सा एरिया है वो? फील्ड। फील्ड मीन्स कॉलम। और जो MS-SS में रिकॉर्ड किसको कहते हैं? रोज को कहते हैं। रोज को रिकॉर्ड कहते हैं और फील्ड किसको कहते हैं? कॉलम्स को कहते हैं। तो कॉलम ही हमारा जो एक क्या है, एरिया रिजर्व है किसके लिए, स्पेशल पीस ऑफ डाटा के लिए। विच इज नॉट व्यू टू क्रिएट टेबल इन MS-SS, इसमें से कौन सा है व्यू है जिसमें हम टेबल को व्यू नहीं कर सकते हैं? तो कौन सा है? डिजाइन इसमें। तो क्या है इसमें हम जो व्यू नहीं कर सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हमें टेबल को, MS-SS में टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो डिजाइन व्यू है इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं, डाटा व्यू में क्रिएट कर सकते हैं और पाइवट टेबल और पाइवट करेक्टर व्यू में इसमें हम जो है न्यू व्यू कर सकते हैं, व्यू नहीं कर सकते हैं क्या करने के लिए, टू क्रिएट टेबल इन MS-SS में। इन MS-SS हाइपर लिंक टाइप कैन स्टोर इन, MS-SS में जो हाइपर लिंक डाटा टाइप है ये स्टोर कहाँ कर सकते हैं हम? तो किसमें कर सकते हैं? पहले सबसे पहले हम देखते हैं जो हाइपर लिंक इंसर्ट करने का जो क्या है शॉर्टकट की है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस के, ये शॉर्टकट की है इंसर्ट हाइपर लिंक, इंसर्ट हाइपर लिंक। तो इंसर्ट हाइपर लिंक है हम MS-SS में कहाँ नहीं कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? तो इसमें पूछा गया है कहाँ कर सकते हैं, पाथ दे किसी फाइल के पाथ के लिए कर सकते हैं, वेब एड्रेस में कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस में कर सकते हैं। इसमें हम MS-SS में जो हाइपरलिंक डाटा क्या है स्टोर कर सकते हैं इन इन तीनों ऑप्शनों में। तो ऑल ऑफ द अबव जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से सभी में हम जो है
डाटा स्टोर कर सकते हैं हाइपरलिंक बना के। इट इज ए बेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट टू व्यू चेंज एंड एनालाइज डाटा इन डिफरेंट वे। इसमें से कौन सा ऐसा डाटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसमें हम व्यू कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को अलग अलग तरीके से, तो कौन सा है? वो है हमारा क्वेरी। द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्स फॉर ए डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन इन एन ऑर्गन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डाटा प्रोसेसर रहता है उसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एग्जीक्यूट करने की, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन की, वो किसकी रहती है? डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम की, DBMS, इन MS एक्सेस। डैश डैश बटन हेल्प टू सर्च क्विक एंड फॉर एवरी अकुरेंस ऑफ स्पेशल वर्ड और फ्रेज। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो हेल्प करता है हमें सर्च करने के लिए, क्विकली सर्च कर सकते हैं इसमें जो स्पेशल वर्ड्स और फ्रेज को, तो कौन सा है वो? फाइंड। जो फाइंड हमारा वर्ड है इसका जो कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस एफ ये शॉर्टकट की है टू फाइंड इन MSSS विच डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन इन ए क्वेरी। क्वेरी में कैलकुलेशन के रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए एमएस वर्ड में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है? कहाँ डिस्प्ले होता है? कैलकुलेशन फील्ड में। कैलकुलेशन फील्ड में हमारा ही डिस्प्ले होता है रिजल्ट, कैलकुलेशन का रिजल्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज यू कैन नॉट चेंज द टेबल डाटा। इसमें से कौन सा ऐसा व्यू है जो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते डाटा टेबल को, जो टेबल डाटा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो किसमें नहीं कर सकते? हम डिजाइन व्यू में। डिजाइन व्यू में हम जो डाटा टेबल है चेंज नहीं कर सकते हैं, टेबल डाटा को चेंज नहीं कर सकते हैं किसमें? डिजाइन व्यू में। इसमें पूछा गया था कौन सा ऐसा व्यू है, वो है डिजाइन व्यू हमारा। डिजाइन व्यू में हम डाटा चेंज को नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा बेस ऑब्जेक्ट होल्ड डाटा। इसमें से जो कौन सा ऐसा डाटा बेस ऑब्जेक्ट है जो डाटा को होल्ड करता है, तो आंसर हमें क्वायरीज में। जो क्वायरीज में जो है हमारे जो डाटा बेस ऑब्जेक्ट है होल्ड करता है डाटा को, किसमें करता है? क्वायरीज में। टू टोगल द नेविगेशन पेन प्रेस। अगर हमको टोगल करना है नेविगेशन पेन को, हमें टोगल करना है तो कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं? जो हमारी फंक्शनिंग की रहती है F1 से लेके F12 तक रहती है, तो हमें जो फंक्शनिंग की का कौन सा प्रेस करेंगे जो टोगल होगा हमारा नेविगेशन पेन। टोगल का मीन्स होता है टोगलिंग की, जैसे होती है हमारा टैब की एक टोगल की है, इसमें स्क्रॉल की है, स्क्रॉल की ये है टोगल है। क्या है इसमें से? किसी फंक्शन को स्विच ऑन करना है या ऑफ आर करना है, या ऑफ करना है उसको हम टोगल करते हैं, तो नेविगेशन को हम स्विच ऑन या ऑफ करेंगे तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? F11 का, F11 का। और हमें F11 का और एक इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए? विंडो चार्ट ओपन को, चार्ट विंडो ओपन करने के लिए, चार्ट विंडो ओपन करने के लिए हम इसके F11 का इस्तेमाल करते हैं, और F5 है रिफ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, F2 के लिए रीनेम के लिए इस्तेमाल करते हैं, F1 हेल्प डिस्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन असेस विच ऑपरेशन कॉपीज ए बैकअप फाइल फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम एंड बैक टू द कंप्यूटर। वो इन MSSS में वो कौन सा ऐसा ऑपरेशन है वो हमारी कॉपी करता है बैकअप को, कहाँ? स्टोरेज मीडियम से बैकअप को कॉपी करके और कंप्यूटर में लाता है, वो कौन सा ऑपरेशन है हमारा? तो कौन सा ऑपरेशन है? स्टोर रीस्टोर। रीस्टोर हमारा ऑपरेशन है जो कॉपी करता है, कहाँ से करता है? ये स्टोरेज बैकअप से और कंप्यूटर के ऊपर लाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर ए पिक्चर इन MSSS। MSSS में जो पिक्चर को स्टोर करने के लिए हम कौन से डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी डाटा टाइप है जिसमें हम पिक्चर को स्टोर करते हैं? वो है ओले ऑब्जेक्ट। ओले ऑब्जेक्ट का हम इस्तेमाल करके जो पिक्चर है उसको स्टोर कर सकते हैं एज ए डाटा टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप ऑब्जेक्ट इज क्रिएट फर्स्ट बिफोर एनी अदर क्रिएट। वो कौन सा डाटा टाइप ऑब्जेक्ट है जिसको हम पहले क्रिएट करते हैं उसके बाद कुछ दूसरे को क्रिएट कर सकते हैं,
कुछ भी क्रिएट करें, लेकिन पहले उसको क्रिएट करना पड़ेगा वो कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो है टेबल। टेबल को हम पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ भी क्रिएट कर लो। ए डैश डैश नेम मस्ट बी यूनिक विद इन द डाटाबेस। डाटाबेस में वो कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एक यूनिक नेम होना चाहिए उसका डाटाबेस में। तो किसका यूनिक नेम होना चाहिए, टेबल का। टेबल का एक यूनिक नेम होना चाहिए डाटाबेस में। व्हाट आर द फोर व्यूज यूज फॉर वर्किंग विद इन ए टेबल इन एमएस एक्सेस में, जो चार कौन से ऐसे व्यू हैं जो वर्किंग करते हैं हम वर्किंग करने के लिए टेबल में। तो कौन से व्यू हैं, वो नॉर्मल व्यू है इसमें वर्किंग करते हैं हम, आउटलाइन व्यू है इसमें वर्किंग करते हैं हम, और पेज लेआउट और फुल स्क्रीन व्यू। ये सब चार व्यू हैं इसमें हम वर्किंग करते हैं टेबल में, एमएस एक्सेस में। तो आंसर इज डी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।